दादी आकाश डी रेंट करवाने के लिए तैयार है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया आकाश बेटा, ये तुम्हारा सही फैसला है। देखना घर की शांति के लिए और तुम्हारे रिश्ते के लिए ये फैसला तुम्हारा संजीवनी बूटी का काम करेगा और हमें पूरा यकीन है डीएनए टेस्ट आने के बाद तुम बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाओगे। अरे आइए आइए, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लड्डू को बुलाओ। हाँ लड्डू, देखा ये यहाँ पे कुछ निकाला इन्होंने, किया बाल निकाले और लड्डू आया वहाँ से। तुझे तो लड्डू पूछो ये अंकल क्या करने वाले। मैंने बोला बस आपके थोड़े से बाल लेंगे। अरे अरे तुम वहाँ से कहाँ चले गए, आ जाओ यहाँ पे लेकर आए। नहीं मैं अपने बाल नहीं तोड़ने दूंगा, छोड़ो मुझे। बेटा बिल्कुल दर्द नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। नहीं मुझे छोड़ो, मैं नहीं दूंगा अपने बाल, मैं नहीं दूंगा। उसे पकड़ लो बेटा, लड्डू कुछ नहीं होगा तुझे। मेरे बाल देने क्यों नहीं जा रहे? नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आ आ लड्डू कुछ नहीं होगा तुम्हें, ले लिए बाल लिया ठीक है। डर अब वो खड़ा हुआ, ये वीर खड़ा है, वो खड़ा है, बोला अब मैं चलता हूँ, ये सैंपल देके मैं कल लखनऊ जाऊंगा। मैंने पूछा कल क्यों आज क्यों नहीं। मेडिकल वाले बोला वो मुझे ना सैंपल, थोड़ा और सैंपल कलेक्ट करने, तो सबको लेकर एक साथ ही लखनऊ जाऊंगा। बस आज रात को रहने के लिए कोई होटल देख रहा हूँ, फिर कल सुबह लखनऊ चला जाऊँगा। मैंने बोला अगर ऐसा है तो एक रात के लिए हमारे गेस्ट बन सकते हैं आप, यहीं रुक जाइए, सुबह यहीं से निकल जाइएगा। आइए मैं आपको गेस्ट रूम तक छोड़ देता हूँ। दादी मैं इनको गेस्ट रूम देता हूँ। हाँ हाँ सर, वीर सर अगर अयोध्या में ये बात फैल गई ना तो हमारी थुथू हो जाएगी। तभी मैंने इन्हें लखनऊ से बुलाया दादी। आपने देखा ना, दो दोनों में अनकंफर्टेबल थोड़ा सा। नंदिनी हमारी चाय। Yeah.